नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को जब भी दबाएं तो ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का परिणाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है। काम तो कई भर्ती परीक्षा परिणाम पर चल रहा है, लेकिन जिस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होने वाला है उसी के संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लोअर टू मंडी परिषद एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट 2019, इन सब भर्तियों पर काम चल रहा है, केंद्र सुपरवाइजर भर्ती। लेकिन कौन सा भर्ती परीक्षा परिणाम जारी होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। साथ साथ आप लोगों का एक सवाल है जो कई बार पूछा जाता है कि परीक्षाएं कब से शुरू होंगी। तो मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर के पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। सबसे पहले 2016 की भर्ती है तकनीकी करके, उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम 2016 की एक भर्ती है तकनीकी सहायक, उसी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आप लोग के जो मन में सवाल है कि अब किस भर्ती का परिणाम जारी होने वाला है, तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आपको क्या लगता है, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र करें कि मैं आपको किस भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ कि उसका परिणाम जारी होने वाला है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा किस भर्ती का परिणाम जारी होने वाला है, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं कि किस भर्ती का परिणाम जारी होने वाला है। देखिए, लोअर टू पर काम चल रहा है, केंद्र सुपरवाइजर पर काम चल रहा है और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट पर काम चल रहा है, इन तीन भर्तियों पर काम चल रहा है। लेकिन जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि आप सोचिए क्या मैं बताने वाला हूँ, कि लोअर टू का परिणाम 5 अक्टूबर 2020 के पहले जारी किया जा सकता है, जो जानकारी मुझे मिली है। वैसे तो तीन भर्तियों का काम चल रहा है, कोई भी परिणाम जारी हो सकता है, किसी एक भर्ती का परिणाम जारी होगा, लेकिन पूर्ण संभावना लोअर टू भर्ती को लेकर है। तो आप लोग जितने भी लोअर टू के अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते रहिए, परिणाम आएगा तो आएगा। देखिए, मैं गारंटेड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली है, मैं आपको इस तरह खुल के नहीं बता सकता। लोअर टू पे काम चल रहा है, केंद्र सुपरवाइजर पर काम चल रहा है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट पर काम चल रहा है, तो इन भर्तियों पर काम चल रहा है, लेकिन परिणाम किसका आने वाला है, लोअर टू का, जिसकी सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी पूर्ण संभावना है। और जितने भी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र हैं, अगर नई वैकेंसी के इंतजार में हैं तो आप अभी उम्मीद मत करिए, क्योंकि अभी पेट के संबंध में डिसीजन नहीं हुआ। हरी झंडी मिल गई है, लेकिन पेट लागू किया जाएगा या नहीं, इस पर एक बार और मंथन होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में आपको कोई कमी दिखी हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ अगली जानकारी लेकर जल्द ही मैं आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।